मोदी का जो किरदार है उसे निभाना कितना मुश्किल था आप मिले उनसे हाँ मैं मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनसे कई बार मिला सी सीएम से लेकर पी बनने की जर्नी तक मैं उनसे कई बार मिला हूँ और उनसे मैंने रूबरू जितनी बार मीटिंग की है उनको ऑब्जर्व किया है बहुत सारी चीजें उनसे देखी हैं कितनी बार मुलाकात हुई आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन ये मैं नहीं बताऊंगा एक चीज होती है प्राइवेसी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए आ, क्या आप कभी आर की शाखाओं में भी गए आ, मैंने आर की शाखाओं को ऑब्जर्व किया मैंने उनके बारे में पढ़ा समझा और वहाँ की आइडियोलॉजी को समझा और उसको हमने फिल्म में भी रिफ्लेक्ट किया है और विवेक अब आगे क्या इस फिल्म के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे जब मैं पिछले पंद्रह सालों से नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं अब क्यों करूँगा मेरी इंडिपेंडेंट विचारधारा है 2003 से मैंने अपने लेवल पे समाज सेवा का काम शुरू किया है कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी अचीव की हैं चाहे वो ढाई लाख से भी ज़्यादा कैंसर पीड़ित बच्चों को कैंसर की पीड़ा से मदद करना गरीब बच्चों को चाहे वो 2000 से ज़्यादा लड़कियों को छोटी बच्चियों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर इस व्यापार से छुड़ाकर उनको फ्री फूड फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर देना सशक्तिकरण करना उनका इस माध्यम से तो ऐसी चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें ये हम करते रहें तो जब आप इतना सेवा कर ही रहे हैं तो लोग पॉलिटिक्स में आते ही हैं सेवा करने के लिए वाई नॉट अर्चना जी मुझे एक बात बताइए बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन किए कोई सेवा नहीं कर सकता अपने देश की हर जवान जो वर्दी पहनकर बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है हमारे लिए हमारे सुरक्षित रखने के लिए उसकी सेवा सबसे बड़ी सेवा नहीं है मैं बोलता हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे देश की सेवा कर सकते हैं आपको सिर्फ एक मन बनाना है कि मैं अपने लिए छोड़कर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ दिन में एक अच्छा काम कीजिए निस्वार्थ भावना से अपने देश के लिए आप सोचिए सवा सौ सो करोड़ लोग अगर रोज एक निस्वार्थ भावना से काम करेंगे तो भारत में रोज सवा सौ करोड़ काम होंगे विवेक विपक्ष बार बार कह रहा है कि इस मूवी के माध्यम से मोदी जी का प्रचार हो रहा है तो अगर आप मूवी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं तो पार्टी ज्वाइन करके क्यों नहीं अर्चना जी मुझे थोड़ा सा ये फनी लगता है मजाक लगता है आपको लगता है जिस शख्सियत की हम बात हैं जिस हस्ती की हम बात हैं नरेंद्र भाई मोदी की उनको एक फिल्म की ज़रूरत है प्रचार करने के लिए पचास दिन में तो सवा सौ रैली करते हैं वो उनको हमारी जरूरत है क्या प्रचार करने की उनका नाम है वो हस्ती हैं इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली करोड़ों लोग उनको मानते हैं हमारी फिल्म बनी है एक देशभक्त की कहानी पर सभी देशभक्तों के लिए ताकि लोग देख प्रेरणा लें ताकि लोग देखकर कर ये सोचें यार मैं किसान का बच्चा हूँ या मैं सफाई कर्मचारी हूँ या सफाई कर्मचारी का के घर में पैदा हुआ हूँ मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता हूँ अगर मेरे में जुनून है और मैं देश सेवा में अपनी पूरी निष्ठा से अगर निस्वार्थ भावना से काम करूँ तो मैं भी बन सकता हूँ ये इंस्पिरेशन है मुझे कोई बैकिंग की ज़रूरत नहीं, नहीं है कोई माल की ज़रूरत नहीं है कोई सपोर्ट लॉबी क्योंकि विवेक ये हिस्ट्री रही है बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस पहले भी पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा है हेमा मालिनी है अभी अभी उर्मिला मातोर ने ज्वाइन की है कांग्रेस इसीलिए ये बार बार बात उठती है कि आप लगातार इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्रचार करने बाहर निकलेगी तो उसके भी स्टार कैंपेनर्स होंगे जो जाके पब्लिक के सामने बात करेंगे तो उसमें विवेक ओबरॉय क्यों नहीं कर सकता तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूँ कि हाँ ये सच है आपकी बात कि बहुत सारे लोग हैं एक्टर्स जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं यहाँ ही नहीं दक्षिण भारत में भी बहुत हैं बहुत रह चुके हैं जहाँ तक मेरा निजी सवाल है तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 2019 ही नहीं इससे पहले के तीन इलेक्शन यानी कि कुल मिला के चार इलेक्शन में मुझे टिकट ऑफर हुई है और मैंने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहा कि थैंक यू आपने मुझे इतनी इज्जत दी लेकिन ये मुझे रास्ता नहीं लेना है ये मेरे लिए रास्ता है नहीं इसीलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिस्सा नहीं जब मुझे लोग बोलते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं तो मैं बोलता हूँ नहीं मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ जो मेरे देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है कल को कोई और पार्टी का कोई और नेता अच्छा काम करेगा देश के लिए तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि क्या बात है ज़बरदस्त जय हिंद ऐसे लोग हमें चाहिए जो अच्छा काम करे देखिए सिर्फ देश चलाना के काम जो है वो पावर में जो पार्टी रहती है उसका नहीं होता है ऑपोजिशन का भी काम होता है अगर पॉजिटिव माइंड से सकारात्मक सोच से ऑपोजिशन अपना काम करते रहे नियंत्रण करते रहे तो यही डेमोक्रेसी की करेक्ट केमिस्ट्री है कि एक ऑपोजिशन होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए अगर पार्टी आपको बोलती है पार्टी आपको बोलती है कि आप हमारे लिए प्रचार कीजिए फिर क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं कि पार्टी मुझे बोलेगी नहीं बोलेगी करेंगे नहीं करेंगे मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है ग्यारह अप्रैल को मेरा मकसद बड़ा क्लियर है मेरी फिल्म लोग देखें जिनके लिए बनाया है अर्चना जी जाएँ अपनी फैमिली को लेके जाएँ अपने पूरे नेबर्स को लेके कर और इसको सेलिब्रेट कीजिए मैं बोलता हूँ कि हर साल ईद दिवाली क्रिसमस आती है लेकिन डेमोक्रेसी का त्यौहार पाँच साल में एक आता है हम डेमोक्रेसी के त्यौहार पर रिलीज़ कर रहे हैं जाइए और हमारी फिल्म को देखिए आ, विपक्ष का एक आरोप यह भी है कि ये एक तरह की डील है जिसमें आप अभी मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं बाद में आपको राज्यसभा से <laughs> आप अभी स्क्रीन प्ले लिख रही हैं अर्चना जी आप लिख रही हैं विपक्ष लिख रहा है कौन लिख रहा है पता नहीं लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा स्क्रीन प्ले है मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है मेरे पिताजी को कई बार हर चीज से चाहे वो पद्मा अवार्ड हो चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो गवर्नरशिप हो अलग अलग गवर्नमेंट्स ने ऑफर भी किया है और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैंने देश के लिए सेवा अपने मन से की और करता रहूंगा अंतिम स्वास्थ्य तक मुझे उसके एवज में कुछ नहीं चाहिए मेरी पिक्चर में एक डायलॉग है जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद